बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह सबसे कूलेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। गोलियों की रासलीला, रामलीला, गली बॉय, पद्मावत, बैंड बाजा बारात जैसी शानदार फिल्मों से खुद को बेहतरीन एक्टर्स की लिस्ट में शुमार करने वाले रणवीर सिंह एक पावर हस्बैंड भी हैं, जो अपनी लेडी लव दीपिका पादुकोण पर प्यार लुटाते हैं। अब फिल्म रामलीला के सेट पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को एक दूसरे से प्यार हुआ था और लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद नवंबर 2018 में कोंकणी और सिख रीति रिवाज से दोनों ने इटली में शादी रचाई थी। उनकी शादी को अब 3 साल हो गए हैं और अभी तक दोनों ने बेबी प्लानिंग के बारे में बात नहीं की। अभी हाल ही में रणवीर सिंह ने बेबी को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की। दरअसल रणवीर सिंह के शो द बिग पिक्चर में गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता बतौर गेस्ट नजर आए। रणवीर सिंह ने हमेशा गोविंदा की प्रशंसा की है, लेकिन गोविंदा की पत्नी ने रणवीर से ऐसा सवाल कर दिया जिसकी वजह से अभिनेता शर्मा गए। जी हाँ, तो शो के एक सेगमेंट में सुनीता ने रणवीर और दीपिका से बेबी प्लान के बारे में पूछा। सुनीता ने कहा कि रणवीर, आपकी शादी को 3 साल हो गए, नन्हा सा रणवीर कब देखने को मिलेगा? जी हाँ, तो सुनीता की बात सुनकर रणवीर शर्म से लाल हो जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा बाद में। सुनीता ने तब सोचा कि क्या 2022 में अच्छी खबर आएगी, तो रणवीर को उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें इस साल एक बच्चे का स्वागत करना ही चाहिए। इसके बाद रणवीर सिंह इस बारे में बात करते हुए सुनीता और गोविंदा को बताते हैं कि वो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं। एक्टर ने कहा कि मैं तो फुल तैयारी के मूड में हूँ, जिससे भी मैं सलाह टिप ले सकूँ ले रहा हूँ, बेबी के नाम शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ, मैं फुल तैयारी के मूड में हूँ, मैं तो इंतज़ार ही कर रहा हूँ यार। बाद में सुनीता ने रणवीर को शुभकामनाएं दी और कहा कि उन्हें काम जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, कोशिश जारी रखो। इस बारे में गोविंदा भी बात करने से खुद को रोक नहीं पाते। वो कहते हैं कि जो भी सुनीता कह रही थी कि एक अच्छा सा बच्चा हम रणवीर की गोदी में 2022 में देखना चाहते हैं और कितने सुंदर लगते हैं आप दोनों एक साथ। फिलहाल अब देखना होगा कि रणवीर दीपिका कब फैंस को खुशखबरी सुनाते हैं। क्या आपको भी छोटे रणवीर या छोटी दीपिका का इंतजार है? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइफ से। सुरभि की रिपोर्ट।